मुझे इंडिपेंडेंट बनना है और मेरी फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट भी करना है, और मैं चाहती हूँ कि हर एक महिलाओं को ये वर्क करना चाहिए क्योंकि उनकी फाइनेंशियल सिक्योर रहे और उनके फैमिली को मदद कर सके। मेरे काम के प्रति रुचि और मोटिवेशन की जो काम कर रही हूँ उसमें जो अच्छे फीडबैक मिल रहे हैं और पेरेंट्स और फ्रेंड्स से जो मोटिवेशन मिल रहा है उसने आगे बढ़ने के लिए मुझे प्रेरित किया। मुझे हमेशा अपने पेरेंट्स, मेरे मम्मी पापा जो है वो मोटिवेट करते हैं, और जब मैं कोई सक्सेसफुल वूमन को देखती हूँ तो मुझे भी ऐसा लगता है कि हाँ मुझे भी अपनी इस तरह इंडिपेंडेंट होना है। चाहे मेल हो या फीमेल हो, हर एक को इंडिपेंडेंट बनना जरूरी है, पर महिला जो भी आइडिया आती है उसे इम्प्लीमेंट करो और फोकस रहो। जॉब में ऐसा है कि जब आप जॉब करते हो तो आपको एक एक्सपीरियंस मिलता है और फिर आपको ऐसे आइडियाज भी आते हैं कि हाँ मैं अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर सकती हूँ। तो ऑब्वियस कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो मैन है वही अपना बिजनेस कर सकते हैं, वो बिजनेस वूमन भी हो सकती है। तो या हमें अपना स्टार्टअप शुरू करना ही चाहिए। आइडिया अभी हर स्टेज में अपने देखे तो महिला इनबिल हो चुकी है, तो हर स्टेज में आप अपने महिला को पा सकते हैं। जैसे कि जॉब कर रही है तो हर जगह पे आपको महिला की रेशियो आपको ज़्यादा ही मिलेगा, ताकि हर स्टेज में महिला आ गई है। तो जैसे कि मर्दों की कंपैरिजन में अपने देखे तो लेडीज़ की क्षमता ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा अच्छी सोच में देख सकती है। फ्यूचर ऑफ वुमेन इज़ वेरी ब्राइट। अभी भी जैसे बहुत सारे CEOs और बहुत में पोजीशन में वुमेन आ रहे हैं, वुमेन को थोड़ा और मतलब मेहनत करना चाहिए टू ब्रेक द ग्लास सीलिंग। एंड मैन और वुमेन डिफरेंट है, बट फिर भी दोनों अपने डिफरेंसेस को लेके ही आगे बढ़ सकते हैं। सो यही है कि डटे रहना चाहिए और लड़ने की ताकत कभी खोना नहीं चाहिए। मैं एक सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन हूँ, तो मुझे कभी ऐसी तकलीफ नहीं होगी कि मुझे मोटिवेट हो जाती हूँ। मैं बहुत अपने आप को इम्प्रूव करती हूँ, और जो भी मैं मुझसे गलतियाँ हुई है मैं उसको इम्प्रूव करती हूँ, और वो लगता और भी करते थे मुझे क्या करना चाहिए, और प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है। कठिन समय में जैसे कि कोई ऐसा इंसिडेंट होता है जिससे हम डिप्रेस हो जाते हैं, तो कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो आपको गाइड करे। जैसे कि माय मदर, जो मेरी मम्मा है, वो मुझे बहुत गाइडेंस करती है। वो हर कठिन से कठिन समय में मुझे कैसे पार करना है वो सिचुएशन को मुझे सिखाती है। नॉर्मली आई मतलब मैं जानती हूँ कि क्या दिक्कत आई है, क्या प्रॉब्लम आई है, फिर उनको मैं समझती हूँ, फिर एक ब्रेक लेके शांति से मैं देखती हूँ कि अच्छा ये हुआ है तो मुझे क्या करना चाहिए जिससे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। कठिन समय और असफलताओं में मैं देखती हूँ कि मैंने कहाँ गलती की है, मैं उसे सुधारने की कोशिश करती हूँ, उसमें से सीखती हूँ, और अपने आप को इस तरह से मोटिवेट रखती हूँ। अच्छी बुक्स पढ़ती हूँ ताकि मुझे नए आइडियाज मिल सके उसमें से। हमारे जो हेड है आशीष रिसोटिया, उन्होंने मुझे गाइड किया है, वही मुझे सजेस्ट करते हैं। हमारी सीनियर मैडम और पूरी टीम ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। ड्यूरिंग वन ईयर मैं कोई भी यहाँ पे अनकॉन्शियस नहीं हुई हूँ। जॉब में मार्गदर्शित तो मतलब ह्यूमंस के प्रति जो मतलब बात करके उनका प्रॉब्लम जान के सॉल्व करने का जो इंटरेस्ट है वो वही मुझे, दैट इज द ओनली थिंग व्हिच इज कीपिंग मी फॉरवर्ड। एंड आई डोंट हैव एनी गुरु, बट जो द रोल मॉडल्स विच आई हैव माय पेरेंट्स, पर्टिकुलरली माय मॉम एंड डैड, बिकॉज दोनों वर्किंग है, दोनों डे एंड नाइट काम करते हैं, सो दैट उन्होंने ही मुझे मोटिवेट किया कि मुझे भी अपना पूरा हार्ट एंड सोल देना चाहिए काम करने के लिए। Brands.live आसान है।